उस अफसर की जिसने कानचोर सरकारी अधिकारियों की नींद उड़ा रखी है। वो आईएएस जब भी राउंड पर निकलता है तो साथ में एक कैमरामैन लेकर चलता है और फिर होती है आईएएस की लाइव रिपोर्टिंग। कौन है ये अफसर, आइए आपको दिखाते हैं। जी कुछ नहीं है, ये भ्रष्टाचार की निशानी है, समझ रहे हैं आप? और यही भ्रष्टाचार की निशानियां होती है। जहां भ्रष्टाचार की निशानी नहीं होती वहां पे सारे साइन पूरे होते हैं और मेल भी खाता है। पुराने दिखाइए ऐसे ही। ये हैं हरिद्वार के डीएम दीपक रावत। जनाब आईएएस अफसर हैं, लेकिन इनके काम करने का तरीका जरा अलग है। न ये खुद खाली बैठते हैं और न किसी सरकारी अफसर को नाकारा बैठा देख सकते हैं। अक्सर राउंड पर रहते हैं और अलग अलग विभागों पर छापा भी मारते रहते हैं। खास बात यह है कि जब भी ये किसी विभाग पर छापा मारते हैं तो इनके साथ इनका कैमरामैन जरूर होता है और ये कैमरामैन हर पल साहब की गतिविधियों की रिकॉर्डिंग करता रहता है। ये सील लिखा है ना, पुलिस सीलिंग है इसकी। किसी के अंदर है? कितनी है भाई तुमने? सर 67। 67? तो फिर तो ये 67 ही होना चाहिए ना, 67 ही तो होना चाहिए मेरी अगर ऐसा है तो। क्या जंगल में जाएगा मतलब? गिनती के कितनी है और ये कितनी और ये कितनी है, इसको ठीक करने का क्या है? ले जाने का मतलब तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है और नहीं ले जाने के लिए तुम बोल रहे कोई आता नहीं है, तो हम क्या माने इसको भैया? तो मतलब मैं इनको भी रद्दी में फेंक दूं तो आप बोलोगे नहीं ले गया होगा, साइन करना भूल गया होगा, ये बोलोगे? तो फिर क्या हिसाब किताब है इनका? जी कुछ नहीं है, ये भ्रष्टाचार की निशानी है, समझ रहे हैं आप? और यही भ्रष्टाचार की निशानियां होती है। जहां भ्रष्टाचार की निशानी नहीं होती वहां पे सारे साइन पूरे होते हैं और ये मेल भी खाता है। पुराने दिखाइए ऐसे ही। दरअसल इस वक्त डीएम साहब हरिद्वार के रजिस्ट्री दफ्तर में पहुंचे हुए हैं। डीएम साहब को खबर मिली थी कि यहां खूब भ्रष्टाचार होता है, फिर क्या था, डीएम साहब अपने कैमरे के साथ हाथ धमके और लगे करने दफ्तर के सारे रिकॉर्ड्स चेक। रिकॉर्ड्स में गड़बड़ थी जो डीएम साहब की तेज आंखों से बच नहीं सकी। अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ ना आपका, अप्रैल के बाद दिखाई सर। अप्रैल के बाद आपका, और इसमें कितनों में साइन नहीं है? मुझे शाम तक चाहिए लिस्ट बना दी, कितनों में साइन नहीं हो रहा फिर मैं डाली करूँ, कभी पूरे करियर का इंतजाम करके जाऊंगा आपका। डीएम साहब लगातार रिकॉर्ड चेक करते रहे। दफ्तर में कई तरह की अनियमितताएं थी जिन्हें डीएम ने फौरन पकड़ लिया। दफ्तर का अधिकारी गलती पकड़े जाने पर डीएम के सामने हलकान हो गया, उसका गला सूख गया और हालत पतली हो गई। एक अफसर दफ्तर से नदारद था, आया तो कहने लगा कि राउंड पर गया था। डीएम साहब ने उसे भी हाथों हाथ लिया। प्राइमरी स्कूल में लिखा हुआ है। प्राइमरी स्कूल में गया था? नहीं सर, स्कूल में नहीं गया सर, फिर रोड रोड जा रहा था मैं। हाँ गए कब थे लौटे का? सर गया हुआ ठीक, मुझे गया स्पर्श। अभी लौट रहे हो? जी सर। कैसे गए थे? अपनी गाड़ी से। ये जो बोनियार आपका क्लर्क है क्या ड्यूटी है? सर सीआरसी है। आपका ड्यूटी है? सर इनके पास ड्यूटी थर्ड चार्ज है।
आखिरकार डीएम साहब ने अधिकारियों को हिदायत दी कि काम पूरा कर उन्हें रिपोर्ट करें और जब तक काम पूरा नहीं हो जाता उनकी तनख्वाह उन्हें नहीं दी जाएगी। दरअसल डीएम दीपक रावत का ये वही अंदाज है जिसकी वजह से हरिद्वार के लोग इन्हें बेहद पसंद करते हैं। ये भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों पर बेहद सख्त हैं, खुद फील्ड में निकलते हैं, अलग अलग दफ्तरों का मुआयना करते हैं और गलती पाए जाने पर मौके पर ही सजा का ऐलान भी कर देते हैं। उनकी तनख्वाह रोकी जाती है, जब ये पूरा करके देंगे उसी तारीख को तनख्वाह सत्यापित करेंगे कि जेल बन चुकी है, सब में कट लॉ हो गया, तब तक के लिए इनका महेश द्विवेदी का इन सबका वेतन रोका जाए, शाम तक मना देना भी तो पूरा भी तो करूंगा ना इसमें। ये अगर आप काम रख के कर लेंगे, मुझे नहीं लगता ये एक दिन से ज्यादा का काम, केवल एक ही दिन का काम है, हम ध्यान से करेंगे, जस्ट वन डे में इसमें कुछ भी कर सकता हूँ। उसने 17 तक बन चुकी है ना पूरी, ये तो बोला था उसने, 17 की कहाँ है, तो कहाँ है 17 तक काम पूरा है, आपको आपके लिए कार्यालय का भी नहीं पता, आपको अपने ऑफिस का भी नहीं मालूम, आपको 10-12 को विभाग देखने नहीं, एक ही देखने अपने भी नहीं पता, बाइंडिंग का बाइंडिंग है, क्या चीज बाइंडिंग का बाइंडिंग, कब तक का आपका पूरा, सर ये हमारा 16 दिन हो रखा है, 16 दिनों। और अब डीएम साहब की सबसे खास बात, दरअसल डीएम साहब अपने तमाम छापों की रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पर डालते हैं, लोग डीएम साहब के वीडियोस को बेहद पसंद भी करते हैं, खुद डीएम साहब के यूट्यूब चैनल के 4 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और हर वीडियो पर 30 से 50 लाख तक व्यूज हैं। इसमें शक नहीं कि डीएम साहब का काम काबिले तारीफ है, लेकिन उनका ये अंदाज है जरा हटके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।